हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल टेरो एंड यू दिस इज मनीषा फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करने वाली हूँ ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी टू पोर्टल के ऊपर जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या होने वाला है क्या क्या चेंजेस आएंगे आपकी एनर्जी में या आपके पार्टनर काउंटर पार्ट के एनर्जी में डी एम डी एफ की एनर्जी में क्या चेंजेस आने वाले हैं क्या देखे जाने वाला है ये पोर्टल आपको इसके बाद क्या क्या लाइफ में होगा ओवरऑल ग्रोथ की हम बात करेंगे सिर्फ रिलेशनशिप नहीं देखेंगे हम करियर को भी देखेंगे इसमें आपकी स्परिचुअल जर्नी में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होने वाली है इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूं मैं आप सबको ये भी बताना चाहती हूं कि मेरी वर्कशॉप की लास्ट डेट है आज रजिस्ट्रेशन करवाने की अगर आप बिगनर हैं रेकी लेवल वन एंड टू सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल ये वर्कशॉप है जिसको आपको आज ही इन करवाना है क्योंकि कल से ये क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं अगर आप रेकी लेवल थ्री भी सीखना चाहते हैं तो उसकी भी क्लासेस कल से स्टार्ट होती है जिनको भी जो वर्कशॉप में एनरोल करवाना है बिल्कुल मेरे दिए गए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है ट्रिपल नाइन डबल ज़ीरो फोर सेवन एट जीरो सेवन इसके ऊपर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है आपको सारी डिटेल दे दी जाएगी कि किस तरह से आप इनरोल करवा सकते हैं हिस्सा बन सकते हैं मेरी वीडियो भी है कि इस वर्कशॉप में मैं आपको क्या क्या सिखाने वाली हूँ किस तरह से क्लासेस होंगी जिससे आपको पूरी तरह से क्लैरिटी मिलेगी ठीक है मैंने दो दिन पहले भी एक वीडियो डाला है आप वो देखें और जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें क्योंकि आज लास्ट डेट है बात उसके बाद ही ये वर्कशॉप मैं बहुत ज़्यादा डिले कर सकती हूँ मोर देन सिक्स मंथ्स आपको वेट करना पड़ सकता है मेरी इस वर्कशॉप का या तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ वन टू वन क्लासेस ही मैं उसे लेनी पड़ेंगी तो अभी मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ डीएम और डीएफ के लिए क्या आता है से पहले हम डीएम की एनर्जी देखेंगे अगर आप नहीं भी समझ रहे हैं डीएम और डीएफ क्या है देखिए सबके लिए ये रीडिंग होने वाली है आपको बस सिचुएशन मैच करनी है अपनी अगर आप सोलमेट के लिए भी अपने देख रहे हैं ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ रहा है आपके काउंटर पार्ट के लिए डीएम देखिए ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है आपके पर्सन की भी हो सकती है अगर आप मास्क हैं डेफिनेटली आप इसकी तरफ देख सकते हैं मैं फेमिनिन की एनर्जी भी अलग से निकाल के दिखाऊंगी आपको बताऊंगी देखिए चीज़ें तो बहुत अच्छी होने वाली हैं गुड लक स्टार्ट होने वाला है कुछ अच्छी गुड न्यूज़ मुझे मिलती हुई नज़र आती है बट डिसअपॉइंटमेंट मुझे दिखता है कुछ हॉट्स हैं अभी भी मीज uh, ओवरऑल मैं अगर कहूँ तो हाँ ये सिक्सटी परसेंट मुझे दिखाता है कि, बहुत अच्छा रहने वाला है आपके डीएम के लिए बट कुछ चीज़ें इमोशनल लेवल पे वो थोड़ा सा इम्बेलेंस मुझे दिखते हैं कि हो सकते हैं इस पोर्टल के बाद हॉट ज़्यादा फील करेंगे दुखी ज़्यादा फील करेंगे अपने आप को हारा हुआ ज्यादा फील करेंगे बट करियर में सक्सेस है उनके मैं और भी देख लेती हूँ ज़्यादा इफेक्ट उन लोगों को होने वाला है इस पोर्टल का जो वाटर साइन किया स्कॉर्पियो पाइसिस कैंसर वाले अगर आप हैं तो मुझे ज़्यादा उन लोगों के ही साथ ऐसा होता हुआ नज़र आ आ रहा है कि वो इमोशनली इम्बेलेंस हो सकते हैं तो आपको ज़्यादा ध्यान देना है अपने ऊपर अपनी इमोशनल हीलिंग के ऊपर ठीक है आपको टाइम टू टाइम हीलिंग करते रहना चाहिए ताकि इस एनर्जी से आप बचे रहें क्योंकि घबराने वाली कोई बात नहीं है बट ये है कि आपको ज़्यादा अपना ख्याल रखना पड़ेगा एज़ कंपेयर टू अदर साइंस कार्ड का रहा है एंड फाइव स्वर्ड्स यहां पे देखिए एयर साइन अगर मैं बात करूँ यहाँ एयर साइन वालों की जेमिना लिब्रा क्यूरियस देखिए आपको और वोटर साइन वालों को ही ज़रा ध्यान रखने की ज़रूरत है यहाँ पे फायर साइन वालों का ओवरऑल मुझे दिखता है कि अच्छी ग्रोथ होगी आपकी एरिस लियो सेजिटेरियस जो भी साइन के हैं तो आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग देखिए एयर साइन वालों का भी है और फायर साइन वालों वाटर साइन वालों का ही है बट उनको थोड़ा सा सतर्क रहना है ठीक है क्योंकि ये छोटी छोटी बातें कई बार क्या होता है कि दिल पर लगा लेना है तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि किसी ने कुछ कह दिया आपके पार्टनर ने कुछ कह दिया या आपके पार्टनर को किसी ने भी कुछ कह दिया क्योंकि यहां पे डीएम की एनर्जी देख रही हूं तो उनको ना छोटी छोटी बातें दिल पे लग जाएंगी इस वक्त स्पेशली अगर वो स्कॉर्पियो पायसेस कैंसर है बस उनके लिए थोड़ा सा सतर्क रहना है कि अगर आपके पार्टनर स्कॉर्पियो पायसेस कैंसर है ठीक है तो उनसे आपको बात जब करनी है ना तो कोशिश करना है कि कुछ भी ऐसा शब्द आपको उनको नहीं बोलना है जिससे उनका दिल टूट जाए ये टाइम थोड़ा सा उनका ध्यान रखना होगा बट करियर में बहुत अच्छा करने वाले हैं आपके पार्टनर और उनको आप ये समझिए कि गुड लक स्टार्ट होने वाला है उनकी ज़िंदगी में और लाइफ में काफ़ी आगे तरक्की होने वाली है उस और रिलेशनशिप के लिए भी देख लेते हैं रिलेशनशिप ग्रोथ के लिए ये पोर्टल उनको क्या देखे जाएगा रिलेशनशिप पोर्टल आपके पार्टनर को क्या देखे जाएगा यह पोर्टल रिलेशनशिप के लिए देखिए कोई न पेंटिकल की एनर्जी है स्टेबिलिटी बनी रहेगी आपकी तरफ आपके पार्टनर की वाओ टू ऑफ कप्स ओवरऑल तो रिलेशनशिप के लिए भी बहुत अच्छा है बट जो चीजों का मैंने आपको ध्यान रखने के लिए बोला है आपको उन चीज़ों का ही ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा शब्द आपको अपने पार्टनर के साथ नहीं बोलना है क्योंकि इससे क्या हो सकता है आपके रिलेशन में डिस्टर्बेंस हो सकता है जो कि कोई भी नहीं चाहता है और आज ये मैं तो यही बोलूँगी कि जो भी हमारा ट्वेंटी टू ईयर है तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा आपके पार्टनर के लिए खास करके मैंने राशियां जो बताई हैं उन लोगों का आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से ख्याल रखना होगा और आर्गुमेंट करने से बचना है आप हो सकता है प्रैक्टिकल हैं एक बहुत ज़्यादा इमोशनल है तो इन दोनों के बीच में तकरार होना मुझे संभव दिखा दिखता है तो अगर आप ख्याल रखेंगे तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आने वाली है और यहाँ पे तो ओवरऑल ग्रोथ मुझे लाइफ uh, में दिखती है रिलेशनशिप में भी दिख रही है मैं आपकी भी एनर्जी एक साथ चेक कर लेती हूं डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में स्पिरिचुअल जर्नी पर क्या चेंजेस आने वाले हैं इस पोर्टल के बाद इस पोर्टल के बाद आप डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं टेन ऑफ स्वर्ड्स जेमिना लिब्रा के ऑफ कप्स डीएम की एनर्जी में टू ऑफ कप्स आया है आपके पास सिक्स ऑफ कप्स आया है ये तो मुझे दिखता है कि ओवरऑल अगर देखूं तो आपके ना रिलेशन अब मुझे ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं जिन लोगों के साथ खराब थे किंग ऑफ आप काफी हीलिंग वगैरह कर रहे हैं मुझे ऐसा दिखता है अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश तो करते हैं बट चीज़ें ना मुझे उतना स्मूथ आपकी साइड से लग नहीं रही हैं डीएफ्स आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है हार्ट ब्रेक की एनर्जी में आप भी आ सकते हो जो कि आपके लिए अच्छी एनर्जी नहीं है एरिस लियो सेजिटेरियस भी है यहाँ पे स्कॉर्पियो पाइसिस कैंसर डेफिनेटली अगर आपकी भी ये वाटर्स वाटर साइन है स्कॉर्पियो पाइसिस कैंसर आपको भी अपना बहुत ख्याल रखना होगा अगर आपके पार्टनर इस साइन के हैं तब उनको भी अपना बहुत ख्याल रखना होगा रिलेशनशिप में इस वक्त फूक फूक के कदम आप लोगों को रखने होंगे ये मैं ज़रूर आपको वार्निंग देना चाहती हूँ अपने शब्दों पे ध्यान रखें रखेंगे दिल पे छोटी छोटी बातें नहीं लेंगे तो बहुत अच्छा होगा इसके लिए आपको हीलिंग करना होगी इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी क्योंकि हम बोल दें लेकिन अगर किसी का बेसिक नेचर है सालों साल किसी का नेचर ऐसा है मेरे बोल देने से वो ठीक नहीं होगा तो हमको ऐसे केस में अपने ऊपर हीलिंग करना होता है आप पॉजिटिव अफॉर्मेशन दें अपने आप को कि आप पूरी तरह से बैलेंस है आप खुश रहते हैं आप सेल्फ लव में हैं आप अनकंडीशनल लव में आप दूसरों को बहुत ईजिली माफ़ कर देते हैं तो जो आप इस वक्त हीलिंग करेंगे आपकी वो बातें मुझे सच छोटी हुई नज़र आ रही हैं तो आपको इस तरह से अपने आप को बैलेंस तो रखना ही होगा आपको इतना तो अपने आप को बदलना ही होगा कि आप कोई भी सामने वाला आके आपको हर्ट ना कर दे क्योंकि आप ज़्यादा परेशान इसलिए ही हो जाते हो और जब सामने वाला आके कुछ कह देता है और वो बात आप अपने दिल पे लगा लेते हो और वो बात जब आपके दिल पे लग जाती है तो आप अपना ही नुकसान करते हो ठीक है ये दोनों के लिए ही एनर्जी आ रही है यहाँ पर चाहे आप फेमिनिन हैं चाहे आप मस्कुलिन हैं आपको ध्यान रखना ही होगा आपके पार्टनर को भी इन सब बातों का ध्यान रखना ही होगा और ये सा, आ, अगर आप करियर में कुछ स्टार्ट करना चाहते हो ना तो ये टाइम बिल्कुल अच्छा है आपको नई शुरुआत करनी चाहिए कोई गुड न्यूज़ मुझे आती हुई नज़र दिखती है रिलेशनशिप के लिए भी देखें आपके लव रिलेशनशिप के लिए आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप कैसे रहेंगे इस पोर्टल में हम वो भी चेक कर लेते हैं दो वर्ल्ड कार्ड आ रहा है आपके लिए ब्यूटिफुल रीडिंग एक कार्ड और निकालते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा ये पोर्टल नाइन ऑफ ओ देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर को चीज कर सकते हो या इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हो तो ये सब चीज़ें ना आपको ना ज्यादा स्टक नहीं रहना है रुका हुआ नहीं रहना है ये मुझे दिखता है कि सेपरेशन में आप हो जिस वजह से आप परेशान हो सकते हैं तो डेफिनेटली क्योंकि आप थोड़ा सा इमोशनल मुझे इम्बेलेंस दिख रहे हैं आप भी और आपके पार्टनर भी दिख रहे हैं ये लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से भी हो रहा है तो ये टाइम थोड़ा सा आपको मीच्योरिटी से काम लेना है और समझदारी से काम लेना है कुछ भी ऐसा नहीं करना यहाँ पे मुझे इंतजार नज़र आता है आपको भरोसा रहेगा काफी आप पॉजिटिव रहेंगे बट ये एनर्जी थोड़ी कम ही नज़र आ रही है जो कि अच्छी बात है अच्छा तो देखिए वर्ल्ड कार्ड ही है यहाँ पे इसके साथ नाइन ऑफ वन्ड आया है तो ये है कि आप किसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं ज़्यादा अपने पर्सन के कॉल का मैसेज का बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते रहते हैं तो अपने आप को बिज़ी रखो अपने आप को स्टक मत रखो इस एनर्जी में कि आप वेट कर रहे हैं या इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब बात करेंगे वो कब मैसेज करेंगे ऐसी एनर्जी आपकी हो सकती है आप थोड़ा सा उनकी आपको याद ज़्यादा सताएगी तो आपको ऐसे में अपने आप को बिज़ी रखना है ऐसे कामों में बिज़ी रखना है जो आपको अच्छे लगते हैं ठीक है आप थोड़ा अच्छे आ, अच्छे काम करोगे जो आपको पसंद है वो काम करोगे तो आपका मन लगा रहेगा जिसकी वजह से आपका ध्यान बार बार आपके पार्टनर की तरफ नहीं जाएगा और आप खुद को परेशान नहीं करेंगे अभी मैं गाइडेंस भी देखती हूँ गाइडेंस से पहले और ज़्यादा एनर्जी देखती हूँ डिटेल में इस रिलेशनशिप के लिए क्योंकि अभी थोड़ा सा मुझे एनर्जी उतनी क्लियर आप लोगों की लग नहीं रही है आपकी साइड से भी कुछ इश्यूज़ हैं और आपके पर्सन की साइड से भी इश्यूज़ हैं तो मैं ट्रू लव रीडिंग कार्ड से भी देख लेती हूँ यहाँ पे क्या मैसेज आते हैं तो इस अकॉर्डिंगली भी मैं आपको सजेस्ट कर देती हूँ कि आपको किस तरह से ऐसी एनर्जी से बचना है ठीक है कोई भी मेजर इश्यूज़ नहीं है पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने क्या बोल दिया मैं गाइडेंस दे रही हूँ आपको आप जस्ट फॉलो करें कुछ नहीं होने वाला है कुछ प्रॉब्लम नहीं है आपको आने वाली और सेक्सुअल फ्रीडम का कार्ड आ रहा है आपके पार्टनर की साइड देखिए ये चाहेंगे कि आप इनके साथ अच्छे से रहो आपके पार्टनर की ये विश रहेगी आप इनसे प्यार से बात करो इनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करो ये आपके पार्टनर चाहेंगे आपके साथ और आपके पार्टनर को लगेगा कि आप उनके सोलमेट है यहाँ पर टू कप भी आया था अगेन सोलमेट कार्ड आ रहा है डबल कंफर्मेशन मिल रही है दूसरे डेक से भी कि रिलेशनशिप के बारे में सोचूं तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है ओवरऑल आपका जो भी गाइडेंस अगर इसमें जो मैंने दी है आप फॉलो करोगे आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे अंडरस्टैंडिंग मुझे दिखती है कि आप कर लोगे ठीक है आप गाइडेंस जो मैंने दिया है आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप दोनों का रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा आप और ज़्यादा क्लोज आओगे ठीक है ये आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि वो आपकी क्लोज आए रिलेशनशिप ठीक करें ठीक है उनको भी फील होगा इस पोर्टल के बाद कि आप उनके एक स्ट्रोंग काउंटर पार्ट हैं उनको सच्चाई समझ में आएगी उनको आपकी वैल्यू भी समझ में आएगी अगर वो नहीं क्योंकि इस वक्त मुझे कुछ ईगो भी नजर आता है आपके पार्टनर पे लेकिन कुछ वक्त बाद कुछ दिनों बाद तो मुझे दिखता है कि धीरे 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 उनके ये एनर्जी बदलेगी ठीक है आपको इस वक्त बस पेशेंस रखना है कुछ भी आपको अपने पार्टनर को समझाने की ज़रूरत नहीं है उनको सिर्फ लड़गो करना है आपको अच्छा बुरा जो भी इस वक्त कर रहे हैं थोड़ा सा स्पेस देना है ठीक है कई बार क्या होता है हम जा जा के बताते हैं कि आपकी ये गलती है आपकी ये गलती है आपकी ये गलती है आपको ये वाली गलती नहीं करनी आपको उनको जाके गलतियाँ बताने की ज़रूरत नहीं है उनको स्पेस दो उनको खुद सोचने दो उनको खुद समझने दो थोड़ा स्पेस दोगे तो उनको लगेगा कि हाँ ये कम बात कर रही है ये मुझसे दूर हो रही है तभी तो उनको आपकी याद आएगी तभी तो उनको आपकी वैल्यू समझ में आएगी तो वो स्पेस आपको देना है ठीक है एक हेल्दी स्पेस दीजिए हेल्दी रिलेशनशिप तभी बनेंगे आपके और इसमें चेंजेस मुझे नज़र आता है कि उनको एहसास होगा और बहुत से लोगों के पार्टनर मुझे दिख रहे हैं कि वापस आने के बारे में सोच भी रहे हैं और वो आएंगे भी और इस रिलेशनशिप के ऊपर काम भी करेंगे ठीक है आपकी साइड से भी देख लेती हूँ एनर्जी क्या होगी इस पोर्टल के बाद इस रिलेशनशिप के लिए देखिए द डिस्टोटर फैमिन का कार्ड आ रहा है आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे टेन ऑफ स्वॉर्ड्स भी पहले ही निकल चुका है नाइन ऑफ वॉन्ड की आप एनर्जी में हो आपके दूसरों के साथ रिलेशन तो बहुत अच्छे बनेंगे आपके फ्रेंड्स तो बनेंगे आपको अपने सोल पार्टनर्स तो मिलेंगे आप अच्छा टाइम स्पेंड करोगे बट इस रिलेशनशिप के लिए आप डिसप्ट मुझे दिख रहे हो कि आपको डिसपॉइंट किया जा रहा है आपके पर्सन की तरफ से और ये भी दिख रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको अच्छी ना लगे तो आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद हीलिंग कर नहीं पा रहे हैं ठीक से जिस वजह से ऐसी ही एनर्जी बार बार आ रही है गाइडेंस के बाद भी आपकी एनर्जी बदल नहीं रही है तो हो सकता है आपका मन ही ना करे कि मुझे हीलिंग करनी ही नहीं है इस वजह से भी ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आपकी साइड से तो कुछ भी हो आपको ये करना होगा कुछ क्रिस्टल्स की भी हेल्प ले सकते हो अगर आप चाहो तो आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपको इंटेंशन दें आपका यही मन करेगा कि वो आपकी केयर करें और कहीं ना कहीं आप चाहेंगे कि अपने पार्टनर को कि वो वैसा करे जैसा आप चाहते हो कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हो जो कि ठीक नहीं है आप चाहते हैं कि वो आपसे आपके आप साथ आए आपके साथ बात करे और वैसे ही बात करे जैसे आपको पसंद है तो अगर एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी क्योंकि आपको अपने पार्टनर का ना नेचर समझना होगा यहाँ पे कि वो कैसे नेचर के हैं ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करता ऐसा नहीं है कि आपको दिखता नहीं है बट इस वक्त शायद वो चीज नहीं दे पा रहे हैं आपको जो आपको चाहिए जिससे आप डिस्टर्ब हो रहे हो इसीलिए आप डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में आते हो बार बार इस एनर्जी से आपको बचना होगा अनकंडीशनल लव की जरूरत यहां पे है लडगो नहीं कर पा रहे हो आप स्पिचुअल मेचोरिटी रहेगी बट थ्री डी में ही दिक्कतें मुझे कुछ नज़र आती हैं एक्सपेक्टेशंस हैं अटैचमेंट हैं उनको ख़त्म करो ठीक है स्पिचुअल तो मुझे दिख ही रहा है कि हाँ आप दोनों आपकी साइड से भी दिख रहा है और आपके पर्सन की साइड से भी दिख रहा है बल्कि आपके पर्सन की ये जो एनर्जी है मुझे हो सकता है ये आपकी हो बट यहाँ पे एनर्जी ठीक दिख रही है इधर आ रही है मुझे फैमिली की साइड में कुछ दिक्कत होती हुई इस पोर्टल के बाद नज़र आती है ये ऐसा भी होता है कि जब भी कोई पोर्टल आता है फून मून पोर्टल ये पोर्टल वो पोर्टल और आप लोग सुनते हो और फिर डिस्टर्ब होने लगते हो आप हीलिंग के ऊपर ध्यान नहीं रखते आप अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश नहीं करते कुछ लोग तो ऐसे होते हैं वो वेट कर रहे होते हैं अच्छा फुल मून है आज तो हमारी एनर्जी ड्रेन होने वाली है पहले से ही बना लेते हैं अपना माइंड सेट आप लोगों ने आप में से काफी लोगों ने ऐसा बना दिया कि फुल मून है तो हमको तो ड्रेन होना ही होना है ठीक है फुल मून है हम तो रोना ही रोना है फुल मून है अब तो हम परेशानी होंगे लो जी अब फुल मून आ गया अब तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे अब फिर से परेशानी होगी ऐसे थॉट्स ऐसा माइंड सेट जो आप लोगों का है ना जिनका भी है मुझे नहीं पता है मैं तो पर्सनली जानती नहीं मैं तो रीडिंग कर रही हूँ बट ऐसी चीज़ों के ऊपर जितना आप कम से कम ध्यान देंगे आपके लिए उतना अच्छा है गाइडेंस के ऊपर ध्यान दें ठीक है हीलिंग के ऊपर ध्यान दें और ख़ुद को बिजी रखने की कोशिश किया करें काम में जॉब में अगर आप खाली बैठे रहेंगे फ्री बैठे रहेंगे कोई काम नहीं करेंगे आप में से कोई हाउसवाइफ भी होंगी ठीक है आपको भी अपने घर में कुछ ना कुछ क्रिएटिव दिखाना चाहिए आप कुछ ऐसी क्रिएटिविटी दिखाएँ ठीक है आपको क्रिएटिव रहना चाहिए अपनी लाइफ में बिज़ी रखें अगर आपको पता है कि आपके साथ खाली रहने से आपको दिक्कत आती है आप परेशान हो जाते हैं आप डिस्टर्ब हो जाते हैं आपको उस पर्सन का ख्याल आता है बार बार आप उसको याद करने लग जाते हो कुछ करने का मन नहीं करता हीलिंग का, का मन नहीं करता तो डेफिनेटली आपको डील करना है इस सिचुएशन से एज अ वॉरियर आपको उठ के खड़ा होना होगा आपको डील करना होगा फुल मून आए कुछ भी आए कुछ नहीं होता है ऐसे अगर आप अपना माइंड सेट स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो उस एनर्जी में आप रहा करो कि अगर फुल मून आ रहा है कोई पोर्टल आ रहा है आपको पता भी ना चले कि वो कब आया और कब चला गया ठीक है वो तब होगा जब आप अपने आप को बिज़ी रखोगे आप तैयारी करके नहीं बैठोगे कि हाँ जी आप हाँ फुल मून आने वाला है तैयारी क्या होती है अब हम परेशान होंगे तो डेफिनेटली माइंड सेट ऐसा दे रहे हो एनर्जी वैसी दे रहे हो इसलिए ऐसा हो जाता है मेरे पास बहुत से लोग रीडिंग करवाने आते हैं वो ऐसा ही बोलते हैं वो ऐसा इसलिए उनके साथ होता है क्योंकि वो वैसी एनर्जी देते हैं तो आपको वो सब चीज़ें नहीं करनी है तो अपने आप को बिजी रखा करो कि आपको पता ही ना चले कौन सा पोर्टल आ गया कौन सा चला गया इतना टेंशन नहीं लेते पोर्टल्स की मेच्योरिटी वेरी गुड देखिए ओवरऑल मुझे दिखता है कि अगर आप हीलिंग करते हैं गाइडेंस फॉलो करते हैं और मेच्योरिटी मुझे दिखती है आप भी मेच्योर हो गए क्योंकि अभी ना कुछ ना कुछ गलतियां आप की तरफ से भी मुझे दिखाई दे रही है कि कुछ गलतियाँ तो फेमिनेंस कर रही हैं भले ही वो माने या ना माने कई बार मानते नहीं है हम वो तो इम्बेलेंस है देखिए मेरा आ, बिल्कुल अच्छी बात है अगर आप पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देते हैं कि इंबैलेंस है बट वो सामने वाले को भी फील होना चाहिए वो फील नहीं होता आपकी बातों में वो नहीं दिखता है तो आपको वैसा अपने आप को मतलब अगर कोई समझा रहा है कोई बता रहा है तो ऐसा नहीं कि आपको कुछ नीचा दिखाने के लिए कोई कुछ बोल रहा हो ठीक है वो इसलिए बोल रहा है ताकि आप सही ट्रैक पे आओ ठीक है वो सामने वाले को फील होना चाहिए आपको बताना ना पड़े मैं बैलेंस हूँ या मैं बहुत अच्छी हूँ मैं बहुत ज़्यादा सुपीरियर हूँ वो सामने वाले को अपने आप फील होता है आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ती है तो उस एनर्जी में आपको आना है ठीक है इसीलिए मैं वीडियो बनाती हूँ तो अगर आप भागोगे डिनाई करोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी ठीक है आप बातें छुपाओगे तो यहाँ पे तो देखो जो मुझे क्लियर दिख रहा है मैं डिनाई कैसे करूँ मैं आपको सिर्फ गाइड करने के लिए ही हूँ तो आप हीलिंग के ऊपर ध्यान दें ठीक है और आपको आपकी कमियाँ भी बेहतर तरीके से पता है आपको अपने अंदर की क्वालिटी भी बेहतर तरीके से पता है अगर आपको पता है कि अंदर ये कमी है तो वहाँ पे हीलिंग के ऊपर ध्यान दें तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा और मेच्योरिटी डेफिनेटली आप मेच्योर पर्सन हैं ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल डम वो मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ बहुत अच्छा है स्पिरिचुअल मेच्योरिटी मेच्योरिटी का कार्ड दिख रहा है कि हाँ आप काम करने की कोशिश करते हैं आप इंट्यूशन uh, को फॉलो करने की कोशिश करते हैं आपको पता है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है आपको पता है कि आपको किस पाथ पे चलना है आप सब चीज़ जानते हैं बट उसके बाद भी दट डिस्ट्रोट है जो आ जा आ गया है यहाँ पे तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि गलती हो रही है किसी को बताने की ज़रूरत नहीं आप खुद समझें और उसको पॉजिटिव अफॉर्मेशन में कन्वर्ट करो ताकि ऐसा ना हो आपके साथ एंजल गाइडेंस देख लेते हैं एंजल्स क्या कहने वाले हैं इस पोर्टल के बाद आप दोनों की लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं मैं एक्शन भी देख के बता देती हूँ आपके पर्सन का क्या एक्शन रहेगा पहले एंजल मैसेज ले लेते हैं इस पोर्टल के बाद इस रिलेशनशिप के लिए आपके पार्टनर क्या एक्शन लेंगे है ना ये भी क्वेश्चन अच्छा है मैं ये क्वेश्चन लूंगी पहले मैं एंजल मैसेज देना चाहती हूँ आपको एंजल मैसेज देखिए आपके पार्टनर इस वक्त अपने दिल की बात सुनने को तैयार हैं ये मैसेज आ रहा है ब्यूटीफुल मैसेज अपने दिल की बातें सुनेंगे आपके पार्टनर और कहीं ना कहीं उनके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं और क्लैरिटी uh, भी मिल रही है उनको समझ भी आ रहा है इस पोर्टल के बाद और एंजल की ब्लेसिंग बनी हुई है एंजल आपका भी सपोर्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर का भी सपोर्ट कर रहे हैं गाइड किया जा रहा है उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम जिन लोगों की भी लाइफ में है देखिए आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना है ताकि चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाए ठीक है आपको बैठे नहीं रहना है जो लोग भी कोशिश कर रहे हैं देखिए उनकी तो मुझे हार कहीं से भी दिखाई नहीं दे रही है ये मुझे दिख रहा है ठीक है ब्रोकन हार्ट ये आपका ही हार्ट है आपके पर्सन तो मुझे काफ़ी अच्छी एनर्जी में दिख रहे हैं देखिए आपको बार बार कल भी मैंने शायद रेडिंग की थी उसमें भी यही आया था हार्ट चक्रा हीलिंग करो और आज भी आपको अपनी हार्ट चक्रा हीलिंग करना चाहिए वॉकिंग अवे नेगेटिविटी से थोड़ा दूर रहो अपना स्पेस क्लियर रखो नेगेटिव थॉट्स से क्लियर रखो ठीक है आपके अपने विचार भी आपके दुश्मन हैं अगर आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो अपने आपको माइंड डाइवर्ट करने के लिए थोड़ा सा बिजी रखो और ये टाइम सिर्फ सिर्फ हीलिंग की ही मैं गाइडेंस देती हूँ फेमिनेंस को इस वक्त मुझे लगता है कि वो हार्ट ब्रेक में जा सकते हैं आपके पार्टनर का एक्शन क्या होगा आपके पार्टनर का एक्शन क्या होगा आपके लिए ठीक है मैं रिलेशनशिप के लिए उनका एक्शन देख लेती हूँ आपके पार्टनर आपके लिए क्या एक्शन लेंगे आपके पार्टनर आपके लिए क्या एक्शन लेंगे आपकी तरफ आ तो रहे हैं बट परेशानियां अभी भी उनकी लाइफ से खत्म तो नहीं हुई है अनकंडीशनल लव ही रखना होगा देखिए बदले में आपको अभी भी आपके पार्टनर कुछ ऐसा नहीं दे सकते जो आपको चाहिए सरेंडर टू द डिवाइन यूनियन के लिए जो लोग भी परेशान होते हैं देखिए आपके लिए कार्ड आया है सरेंडर मेज कहीं ना कहीं यही बोला जा रहा है कि ऐसे मैस, मैसेजेस के ऊपर ध्यान ना दिया जाए सरेंडर करो ये टाइम देने का है ना कि लेने का ठीक है अभी आपके पार्टनर आएंगे बातें तो होंगी बट अगर आप कोई एक्शन उनसे चाहते हो वो तो नहीं है बट प्यार की बात हो सकती है कमिटमेंट अभी भी रहेगा क्योंकि सरेंडर जो आया है ये मुझे दिखाता है कि आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस कम करनी चाहिए अगर वो बार बार आप बीच में ले आते हो उनको बार बार कोई ऐसी चीज़ करने के लिए बोलते हो जो पॉसिबल नहीं है ठीक है वो मेच्योरिटी आपको अपने अंदर लेके आनी है गाइडेंस में भी पहले भी एनर्जी में कार्ड आया है कि मेच्योरिटी से डील करो दैट मीन्स आप कोई तो गलती ऐसा कर रहे हैं ना फेमिनेंस कि आप मेच्योरिटी से हैंडल नहीं कर रहे हो अपने रिलेशन को ज़बरदस्ती कोई ऐसी चीज़ के पीछे आप पड़े हुए हो जो पॉसिबल नहीं है इस वक्त हो पाना ठीक है आप सरेंडर नहीं कर रहे हो आप अभी भी सिचुएशन को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो आप अप अपने पार्टनर को भी अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो कि वो ऐसा करे उसको ऐसा करना चाहिए अगर आप में से जिसकी भी एनर्जी है तो आपको अपनी एनर्जी के ऊपर ध्यान देना है आप ये गलती कर रहे हो आप सरेंडर नहीं कर रहे हो सरेंडर करो ठीक है आपके पार्टनर भी यही चाहते हैं ठीक है उन्होंने सरेंडर कर दिया है नेक्स्ट एक्शन यही होने वाला है वो अपनी डेस्टिनी को सरेंडर कर देंगे और आपको भी सरेंडर कर देना चाहिए ये उनका नेक्स्ट एक्शन है राइट ट्रैक पे है वो अपनी डेस्टिनी जो उनको करना चाहिए वो वही कर रहे हैं, ठीक है ये एनर्जी आ रही है और ज्यादातर ये भी है कि जो कमिंग फुल मून आ रहा है वहाँ पे वो ऐसा ही करने वाले हैं अब से लेके फुल मून तक ये जो एनर्जी रहेगी उनको काफ़ी पॉजिटिव ही नज़र आ रहे हैं आगे ही बढ़ते नज़र आ रहे हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर आपके पार्टनर आगे बढ़ते हुए एक्शन उनका अपनी जर्नी की तरफ जा रहा है आपको लगेगा कि ये कई बार क्या होता है कि लोगों को ये लगता है वेकनिंग होने के बाद वो पार्टनर उनकी लाइफ में वापस आएंगे देखिए वेकनिंग होने के बाद वो अपनी जर्नी पर चलना स्टार्ट करता है ठीक है वो जिस काम के लिए आया है वो करना स्टार्ट करता है तो वो तो सही कर रहता लेकिन आपको ये लगता है कि इसकी अवेकनिंग क्यों नहीं हो रही इसकी अवेकनिंग क्यों नहीं हो रही देखिए आपको अभी शायद अवेकनिंग का फिर मीनिंग समझ नहीं आया कि अवेकनिंग होता क्या है अभी आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है आज भी अगर आप इस तरह से चीजों को देखते हैं उसके बीच के पीछे की गहराई को नहीं समझ पाते हो ठीक है 3D में अभी भी इल्यूजन में फंसे रहते हो बहुत सी फैमिली को समझ में आता है बिल्कुल समझ में आता है कि हाँ हमको अपनी लाइफ देखनी है बट बीच बीच में एनर्जी डिस्टर्ब कर जाती है उनको वो इसलिए क्योंकि हम भूल जाते हैं भावनाओं में बह जाते हैं अटैचमेंट में आ जाते हैं हमको भी लगता है कि नहीं कोई आ जाए हमसे प्यार करे कोई हमको सपोर्ट करे तो वो एनर्जी में आके हम डिस्टर्ब हो जाते हैं आपको पूरा अगर आप बैलेंस हैं अगर आप मानते हैं बैलेंस तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए छोटे छोटे ऑब्स्टेकल से अब आपको इतना स्ट्रोंग होना है ठीक है अगर हो भी रहे हैं चलो दो तीन मिनट के लिए आपके मन में वो थॉट्स आ भी गया उसको हैंडल करना सीखो उसको कंट्रोल करना सीखो उसको दो घंटे तीन घंटे चार घंटे तीन दिन तीन हफ्ते तक मत लेके जाओ यही गलतियां करते हो और आप ही डिस्टर्ब होते हो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप ही डिस्टर्ब होगे तो बेहतर है पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट करो जैसा सोचोगे वैसा पाओगे गलत सोचोगे तो गलत भी मिल जाएगा ऐसे में आपको अच्छा सोचोगे तो अच्छा भी मिल जाएगा अगर आप रिलेशन में पॉजिटिविटी चाहते हो तो पॉजिटिव ही बातें बोलो अपने पर्सन को नेगेटिव एनर्जी मत दिया करो तो ये है आप लोगों के लिए रीडिंग हो गाइस आपको ये मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना है गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल ताकि इस तरह की वीडियो मैं आपको टाइम टू टाइम आगे भी दे दे रूँ मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे तब तक के लिए बाय टेक केयर